सीता जी का जीवन परिचय। जी दोस्तों, इनका नाम था सीता, इनके उपनाम थे जानकी, जनकात्मजा अथवा जनकसुता, भूमिपुत्री या भूसुता। इनके पिता का नाम था जनक और इनकी माता का नाम था सुनयना। बहन थी इनकी उर्मिला, माड़वी सूतकृति। ये राजकुमारी थी मिथिलापुरी की और इनका विवाह हुआ था प्रभु श्री राम से और इनके दो पुत्र थे लव और कुश। अब आगे बढ़ते हैं। सीता रामायण और राम कथा पर आधारित की मुख्य पात्र है। सीता जो बिहार में जन्मी थी, मिथिला के राजा जनक की श्रेष्ठ पुत्री थी। मिथिला के राजा जनक बिहार के खेतों में हल जोतते समय एक पेटी से अटका, उन्हें उस पेटी में पाया था। हल को मैथिली भाषा में सीता कहने के कारण इनका नाम सीता पड़ा। राजा जनक और रानी सुनैना ने इनकी परवरिश की। उर्मिला उनकी छोटी बहन थी। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा अथवा जनकसुता भी कहते थे। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध हैं। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता, जनकसुता भी कहा जाता है। इनकी स्त्री व पतिव्रता धर्म के कारण इनका नाम आदर से लिया जाता है। त्रेता युग में इन्हें सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार मानते हैं। राजा जनक ने रचाया सीता का स्वयंवर। ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ राम व लक्ष्मण की रक्षा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके कुछ समय बाद महाराज जनक ने सीता स्वयंवर की घोषणा की और ऋषि विश्वामित्र का आशीर्वाद हेतु निमंत्रण भेजा। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण भी उपस्थित थे, इस कारण से वो मिथिलापुरी उनके साथ चले आए। महाराजा जनक की उपस्थिति, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से स्वयंवर के लिए शिव धनुष उठाने के नियम की घोषणा की। सभा में उपस्थित कोई राजकुमार, राजा व महाराजा धनुष उठाने में विफल रहे। ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम जी ने धनुष को उठाया और उसको भंग किया। इस तरह सीता का विवाह श्री राम जी से निश्चित हुआ। इसी के साथ उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से तथा सूतकृति का शत्रुघ्न से निश्चित हुआ। कन्यादान के समय राजा जनक ने श्री राम जी से कहा, हे कौशल्यानंदन राम, ये मेरी सुपुत्री सीता है, इसका पाणी ग्रहण कर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, यह सदा तुम्हारे साथ रहेगी। सीता संग राम को वनवास कैसे हुआ? राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी को दिए वचनों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। श्री राम जी वे अन्य बड़ों की सलाह ना मानकर अपने पिता से कहा, मेरे पिता के वचन के अनुसार मुझे आपके साथ ही रहना होगा। मुझे आपके साथ वन गमन इस राजमहल के सभी सुखों से अधिक प्रिय हैं। इस प्रकार राम व लक्ष्मण के साथ वनवास चली गई। वे त्रिकूट पर्वत स्थित मंदाकिनी तट पर अपना वनवास किया। इसी समय भरत अपने बड़े भाई श्री राम को मनाकर अयोध्या ले जाने आए। अंत में वे श्री राम जी की पादुका लेकर लौट गए। इसके बाद वे सभी ऋषि अत्रि के आश्रम गए। सीता ने देवी अनसुईया की पूजा की। देवी अनसुईया ने सीता को पतिव्रता धर्म का विस्तार पूर्वक उपदेश के साथ चंदन, वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान किया। इसके बाद कई ऋषि व मुनि के आश्रम गए। दर्शन व आशीर्वाद पाकर वे पवित्र नदी गोदावरी तट पर पंचवटी में वास किया। पंचवटी पर सीता हरण कैसे हुआ? जब राम, लक्ष्मण, सीता पंचवटी पर पहुँचे तो सुपर्णखा रावण की बहन वहाँ पर आई। इन दोनों पर मोहित हो गई। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित सुपर्णखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उनके कान भरते हुए कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। रावण ने अपने मामा मरीच के साथ मिलकर सीता की अपहरण की योजना रची।
इसके अनुसार मरीच सोने के हिरण का रूप धर राम व लक्ष्मण को वन में ले जाएगा और उनकी अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करेगा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए और लंका ले गए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। लंका में सीता जी की हनुमान जी से भेंट कैसे होती है? सीता से बिछड़कर राम जी दुखी हुए और लक्ष्मण सहित उनकी वन वन खोज करते जटायु तक पहुँचे। जटायु ने उन्हें सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर लिए जाने की सूचना देकर प्राण त्याग दिए। आगे चलकर हनुमान जी ने राजा सुग्रीव से मिलाया। राम जी संग मैत्री के बाद सुग्रीव ने सीता की खोज में चारों ओर वानर सेना की टुकड़ियां भेजी। वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गई टुकड़ी में हनुमान, नील, जामवंत प्रमुख थे और वे दक्षिण स्थित सागर तट पहुंचे। तट पर उन्हें जटायु का भाई संपाति मिला, जिसने उन्हें सूचना दी कि सीता लंका स्थित एक वाटिका में है। हनुमान जी समुद्र लांग कर लंका पहुँचे। विभीषण की सहायता से अशोक वाटिका पहुँचे। उसी समय रावण वहाँ पहुँचा और सीता से विवाह का प्रस्ताव किया। सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और रावण की एक भी बात नहीं मानी। रावण के लौटने पर सीता बहुत दुखी हुई। त्रिजटा राक्षसी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए धीरज दिया, श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। उसके कुछ समय बाद हनुमान सीता के दर्शन कर अपने लंका आने का कारण बताते हैं। श्री राम जी की मुद्रिका देकर हनुमान जी अपनी पहचान कराते हैं। सीता हनुमान से कहती है कि उसको यहाँ से शीघ्र ले जाएं, नहीं तो वे अपने प्राण त्याग देगी। माता सीता से चूड़ामणि व अपनी यात्रा की अनुमति लिए चले। सागर तट स्थित अंगद व वानर सेना लिए श्री राम जी के पास पहुँचे। माता सीता की चूड़ामणि दिया और अपनी लंका यात्रा की सारी कहानी सुनाई। इसके बाद राम व लक्ष्मण सहित सारी वानर सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई और लंका पहुंच गई।